है कि फ्लैजेला किधर होता है. फ्लैजेला ये है, दिस इज फ्लैजेला. सो दिस इज अ बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी. इसमें आपको फ्लैजेला नज़र आएगा, इसमें आपको न्यूक्लियॉइड नज़र आएगा, सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगी, सेल वॉल नज़र आ रही है, कैप्सूल है, राइबोसोम्स. कौन से राइबोसोम्स होते हैं? हमने क्लास में पढ़े 70S राइबोसोम्स हैं. पिलाए हैं, कुछ क्लासेज मैंने पिलाए को डिस्कस किया, कुछ को नहीं किया. जिनको किया है उनको पिलाए समझ आ गया होगा कि पिलाए क्या. चलो नहीं किया होगा तो वही डिस्कस इन द क्लास, बट मेन फोकस आपका इस पर रहा. दिस इज योर फ्लैजेला. ये फ्लैजेला है जिसको मैंने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है किसमें, आपके एनिमेटेड वीडियो में. फ्लैजेला हेल्प करता है मूवमेंट में. फ्लैजेला किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में. फ्लैजेला हेल्प इन मूवमेंट. ठीक है, फ्लैजेला किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है. Got it? अगर हम फ्लैजेला को ओपन करके देखें, आई ओपन दिस थिंग फ्लैजेला, तो फ्लैजेला तीन हिस्सों में बटा हुआ है जो मैंने उस वीडियो में समझाया है. तो इफ अगर ये आपका सेल वो बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के पास क्या क्या होता है? यू हैव दिस ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वॉल, देन यू हैव दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो. तो फ्लैजेला जो होगा वो आपका यहाँ से शुरू होगा, मतलब एक इसकी बेसल बॉडी होती है, दिस इज योर बेसल बॉडी. ये जो फ्लैजेला है, ये जो दिख रहा है, दिस इज फिलामेंट. जो आपको दिखता है ये क्या होता है? फिलामेंट होता है. जो आपको नहीं दिख रहा, जो इसके अंदर धंसा हुआ, जो सेल एंड वेल, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, वो क्या होता है? बेसल बॉडी. ये बेसल बॉडी, फिर यहाँ पे हुक होती है इस तरफ, ये भी इसी में धंसी हुई होती है आधी, बेसल बॉडी. और ये होता है ये वाला हिस्सा, दैट इज योर फिलामेंट, बट एंड दिस इज योर हुक. तो हुक और बेसल बॉडी इज एक्चुअली एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स. उसमें क्या होती है? एम्बेडेड होती है. और जो बाहर होता है वो फिलामेंट होता है. तो दिस इज़ योर फ्लैजेला. फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है. और इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपका फ्लैजेलम पार्ट में जो है वो दिया होगा, वहाँ पे मैंने खोल के दिखाया होगा कि ये आपके पास मान लीजिए ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो यहाँ पर होती है बेसल बॉडी, मैंने सारी डिटेल में की होगी. ये ऊपर आता है हुक और इसमें से निकलता है फिलामेंट. तो फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड हुक. तो इन तीन चीज़ों से मिलके फ्लैजेला बना. और ये दोनों चीज़ें, हुक और बेसल बॉडी, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन जो आपका सेल एनवेलप है उसमें धंसी हुई होती है. जो बाहर निकला हुआ होता है वो क्या होता है? फिलामेंट होता है. ये हेल्प करता है फ्लैजेला को मूव करने में. सो आई बिलीव जिनको नहीं पता चल रहा कि भाई फ्लैजेला जो है वो सरफेस के ऊपर है कि नहीं है, तो ये बेसिकली सरफेस के ऊपर होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. अब उसके बाद वो वीडियो देखो, फिर बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, और ग्राम